कोविड संक्रमण का पता लगाने के लिए नागपुर जिले में कराए गए दूसरे सिरो सर्वेक्षण के आंकड़े चौंकाने वाले हैं सर्वेक्षण के आंकड़ों से उजागर हुआ है कि जिले के अस्सी दशमलव पाँच फीसदी लोगों में कोविड की एंटीबॉडी मिली है शहर में चौरासी फीसदी और ग्रामीण में पिछहत्तर दशमलव नौ दो फीसदी लोगों में एंटीबॉडी मिली है खास बात यह है कि शहर के पौष इलाके जैसे लक्ष्मीनगर धनपेट, धनतोली जोन के अट्ठासी फीसदी से अधिक लोगों में एंटीबॉडीज़ मिली है ओमिक्रॉन के मद्देनज़र यह सर्वेक्षण अहम माना जा रहा है विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे शर्मा की मार्गदर्शन में मेडिकल की तरफ से किए गए, गए सिरो सर्वेक्षण में मनपा के हर जोन से 310 लोगों के अर्थात कुल 3100 लोगों के खून के नमूने लिए गए जबकि ग्रामीण इलाके में 13 तहसीलों में से हर तहसील के एक मुख्यालय दो गांव के कुल इकतीस नमूने लिए गए कुल छह नमूनों का अध्ययन करने के बाद सर्वेक्षण के डाटा सामने आए हैं सर्वेक्षण में पहली बार छह से दस वर्ष के बच्चों और 11 से 17 वर्ष के किशोर वीन बालकों के नमूने लिए गए थे जिले की आबादी 50 लाख से अधिक है इसमें से 80.5 दशमलव प्रतिशत लोगो को अर्थात 40 लाख के करीब नागरिकों में एंटीबॉडी तैयार हो गई है जैसा कि सिरो सर्वे से स्पष्ट हो रहा है ऐसे में बचे हुए 20 फीसदी अर्थात 10 लाख लोगों को कोविड संक्रमण की आशंका अधिक है सर्वेक्षण मेडिकल की अधिष्ठता डॉक्टर सुधीर गुप्ता के सहयोग से मेडिकल के पीएसएम विभाग प्रमुख डॉक्टर उदय नारलावर मुरहार और डॉक्टर संजय झोड़ापे ने की कैमरा पर्सन राज मोहर के साथ अभिषेक पांसी बीसीएन न्यूज नागपुर